ये देखिए, अब हमारा वॉल डिजाइन आपके सामने बनके तैयार है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने में कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये किस तरीके से बनाया है वो हम आपको बताएंगे, इसमें किस किस चीज की जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको वॉल डिजाइनर बताएंगे जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई ली है हमने, ये देखिए 19 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है हमने 5.5 इंच। और इसको हम ऐसे करके 3 फोल्ड में करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इस कॉर्नर को उठा के इस कॉर्नर से लगाएंगे, और फिर से हम इस कॉर्नर को इससे इस तरीके से हमें ये फोल्ड करना है। और फिर इसको हम ऐसे करके गोल शेप में कट करेंगे, देखिए इस तरीके से। इसे पूरी को ऐसे कट करेंगे, देखिए इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारे 3 पेपर कट हुए हैं, ये देखिए ऐसे। और इसको हम सीडी के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने 3 सीडी ली हुई हैं, तीनों सीडी के ऊपर लगाएंगे, ये इस तरीके से लगाएंगे हम। ये देखिए, इसके ऊपर हम ऐसे ग्लू गन लगा के उस कपड़े को इससे अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरीके से। और ये ऐसे ही हम इस दूसरे वाले पे करेंगे। देखिए ऐसे ही हम इस तीसरे वाले को रेडी करेंगे। देखिए हमने तीनों को लगा के तैयार कर लिया है। उसके बाद हम ये आपको पंपम बनाना बताएंगे, जो छोटे वाले पंपम होते हैं हमारे, उससे। और इसे आइसक्रीम वाली जो चम्मच होती है उनकी मदद से बनाएंगे। देखिए यहां से इसे ऐसे करके और अच्छे से इसके ऊपर लपेटना है हमको ये। देखिए पूरे पे ऐसे लगा के इसे तैयार करेंगे, ऐसे इसे लपेटते हुए चलेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम यहां से इसे ऐसे इस धागे को पकड़ेंगे जो हमने इसके ऊपर मोड़ा था, और जो हमारा ये यहां पर था उसके अंदर से इसे निकालेंगे और इसे ऐसे बाहर कर लेंगे। और हमें ये वाला धागा नहीं खींचना है, जो छोटा वाला धागा है वो खींचना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ऐसे से बनाना है। एक बार हम फिर से बताते हैं आपको, ये देखिए ऐसे, और इस तरीके से इसे यहां से ऐसे करना है। देखिए ऐसे, कुछ नहीं है, इसको बनाने में बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, ये जो हमारा धागा है इसको हम इस धागे के अंदर से निकालेंगे। फिर से देखिए, हम छोटा वाला धागा ही खींचना है। देखिए इस तरीके से हमने ये कलरफुल बना के तैयार किए हैं, और इनको हम, ये हमारी आइसक्रीम चम्मच है, ग्लू गन से इन पे सेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें इस पे एक सीधे ऐसे करके फेविकोल लगाना है इस तरीके से, और एक यहां से
ऐसे। उसके बाद एक हमें यहाँ पर चम्मच को रखना है ऐसे, और एक यहाँ पर, एक इस जगह पर रखेंगे और एक इधर। उसके बाद हम यहाँ पर एक फेविकोल रखेंगे और ये कलर, इस ये ऑरेंज कलर का पम्पम रखेंगे, और उसके ऊपर हम एक गोल वाला मिरर स्टोन रखेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारी कॉर्नर है इन पर भी हम फेविकोल लगाएंगे। देखिए हमें एक पे ग्लू रखना है, और ये देखिए इसके ऊपर हम पिंक रखेंगे और एक ग्रीन रखेंगे, और ये हमें दोनों साइड एक जैसा कलर रखना है, ये देखिए इस तरीके से। और ये हमें कुछ देर सूखने के लिए रखना पड़ेगा, और इसी तरीके से हम ये दूसरे पर भी ऐसे ही लगाएंगे। देखिए, और ये देखिए इस तरीके से हमें लगाना है। जैसे हमने उसमें लगाया था ऐसे ही हम इसमें भी लगाएंगे। देखिए ये हमें अच्छे से सूखने के लिए रखना होगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए बीच में हम इसके ये रखेंगे, और इसके ऊपर भी हमें एक गुरुद्वारा मिले स्टोन रखेंगे। आप चाहे तो इसे एक कलर से भी बना सकती हो पम्पम। ये देखिए इसके बाद हम ये जो हमारे छोटे वाले हैं इन पर छोटे वाले मिरर स्टोन रखेंगे हम, वो हमने कट में लिए हुए हैं इस तरीके से। और इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। देखिए इस पर भी हम ऐसे ही लगाएंगे। इसको पूरे को हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। इसे हम पूरा इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ ग्लू गन लगाएंगे, और इस वाली को इससे हल्का सा सीडी को उसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से सेट करेंगे, और फिर इस वाली के ऊपर यहाँ पर ग्लू गन लगाएंगे।
और इस वाले को भी ऐसे उठा के हल्का सा इसके ऊपर सेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब हमारा ये बॉल डिजाइनर आपके सामने बनके तैयार है। और देखिए इसमें हमें ये टांगने के लिए और लगाना पड़ेगा एक, ये देखिए यहाँ पर हमें लुगन से, आप ऊन वगैरह किसी भी चीज से बना सकते हैं। इसके ऊपर हम एक मिरर स्टोन लगा देंगे ताकि ये अच्छा लगे, और एक मिरर स्टोन ऐसा ही चौड़ा वाला हम नीचे भी लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा बॉल डिजाइन आपके सामने बनके तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।